गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7 विषय हिंदी नो अभ्यास करवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया वीडियो में प्रथम जे काव्य छे बेटी, ते काव्यनी संपूर्ण समजूती अने तेना शब्दार्थ जोया हता। हवे आज आपणे आगळनो अभ्यास करीशुं। तो आप सौ तैयार छो? सरस। चलो काव्यना अभ्यास में जे प्रश्नों छे तेनो अभ्यास करिए। तो विद्यार्थी मित्रों, सौ पोतपोतानुं पाठ्यपुस्तक पोतानी पासे राखशे, जेमां पाना नंबर 2 काढो। तो विद्यार्थी मित्रों, गया वीडियो में शब्दार्थ, मुहावरे अने अभ्यासना प्रश्न नंबर 2ना जे 5 प्रश्नों सुधी आपणे जोयुं हतुं। हवे आजे आपणे प्रश्न नंबर 3 जोईशुं। प्रश्न नंबर 3ની सूचना जोईए। बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, सूचना दरेक ने ख्याल में आवी। सूचना में एवं कहेवामां आव्युं छे के जे अहींया बॉक्स आपेलू छे एमां जे शब्दों आपेला छे ए शब्दोंना अर्थ आपणे शब्दार्थमांथी काव्यनी अंदर जे शब्दनो अर्थ थाय छे ते शोधीने लखवानो छे। दाखला तरीके मिसाल, तो एनो अर्थ थाय छे उदाहरण। काव्यनी अंदर मिसालनो अर्थ छे उदाहरण। गर्वनो अर्थ छे अहंकार। अंबरनो अर्थ छे आकाश। शानो अर्थ थाय छे प्रतिष्ठा। अने कष्टनो अर्थ थाय छे मुसीबत। तो आ बॉक्समां आपेला संपूर्ण शब्दोना आपणे जे अर्थ थाय छे लखी काढ्या, बराबर। हवे आपणे एने शब्दकोशना क्रममां गोठवीशुं। विद्यार्थी मित्रों, प्रथम सत्रमां आपणे शब्दकोशने क्रममां केवी रीते लखवा ते समजाव्युं हतुं। तो एज रीते आपणे शब्दकोशने क्रममां गोठवीशुं। तो आपणे जोयुं हतुं के कक्कावारी प्रमाणे जे शब्द आवतो होय ए शब्द प्रथम आवशे અને જે શબ્દ પાછળથી આવતો હોય એ શબ્દ પાછળથી આવશે, બરાબર। તો એમાં સ્વર પહેલાં આવશે કે વ્યંજન? સ્વરો જે હોય એ પ્રથમ આવે। જે સ્વરની અંદર પહેલો અક્ષર જે હોય એ આપણે ક્રમમાં ગોઠવતી વખતે પ્રથમ આવશે, અને વ્યંજનથી જે શબ્દની શરૂઆત થતી હશે એ શબ્દ પાછળથી આવશે। તો એ પ્રમાણે આપણે ગોઠવેલા છે। અહીંયા આપણે શબ્દોના અર્થ લખી કાઢ્યા, હવે એને આપણે શબ્દકોષના ક્રમમાં ગોઠવીશું। અહીંયા આપણને ક્રમ આપેલા છે 1, 2, 3, 4 અને 5। હવે એની અંદર આ અર્થ છે એમાં સ્વરોથી શરૂ થતા શબ્દો કયા કયા છે? તો એક છે ઉદાહરણ, અહંકાર અને આકાશ, બરાબર। તો હવે આ જે સ્વરોથી ચાલુ થાય છે એ 3 શબ્દો પહેલાં આવશે, પરંતુ એ 3માં પહેલો કયો આવશે? તો પહેલો આવશે અહંકાર, બીજું આવશે આકાશ અને ત્રીજું આવશે ઉદાહરણ। કેમ કે જે સ્વરોથી ચાલુ થાય છે એ શબ્દો પણ પહેલાં અ આ ઈ એ રીતે ક્રમમાં આવે છે ને, તો એ ક્રમ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એને ક્રમમાં ગોઠવીશું। હવે ચોથો શબ્દ આવશે વ્યંજનથી શરૂ થતો, પ્રતિષ્ઠા, અને 5મો છે મુસીબત। ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? તો જે શબ્દો આપેલા છે એના અર્થ લખવાના છે, અર્થ લખ્યા બાદ તેને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। જે શબ્દો આપેલા છે એને ક્રમમાં ગોઠવવાના નથી, તેના અર્થને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે, બરાબર। હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ। દરેકે પ્રશ્નોના જવાબ ધ્યાનથી સાંભળવાના છે, સમજવાના છે અને નોટબુકમાં ફરજિયાત લખવાના છે, બરાબર। હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત શબ્દો કો ઉદાહરણ કે અનુસાર ઉચિત ક્રમ મે રખકર અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૂચનાને ધ્યાનથી સમજવી ત્યારબાદ જ જવાબ લખવાનો છે। ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે આપણે સૂચનાને બસ પેલો 1-2 શબ્દ વાંચીને આપણી રીતે જવાબ દઈએ છીએ, તો એવું કરવાનું નથી। સૂચનાને પહેલાં ધ્યાનથી સમજો, ત્યારબાદ જવાબ લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। અહીંયા આપણને એક ઉદાહરણ પણ આપેલું છે જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવી જાય।
उदाहरण छे शब्द चाहिए का प्रसार कर कर होना में शिक्षा। तो विद्यार्थी मित्रों आ वाक्य तमने केवू लागे छे, तेनो कोई अर्थ थाय छे? वाक्य आज पूर्ण थाय छे ए वाक्य ने पूर्ण थया बाद एवू थाय छे के आनो सो अर्थ थाय छे, कई अर्थपूर्ण वाक्य बनतु नहीं। तो ये जे आड़ावड़ी शब्दों एने व्यवस्थित गोठवीने ए वाक्य पूर्ण करवानु छे जेथी ए वाक्यनो कोई अर्थ सरे। तो ए रीते एनो जवाब बनाव्यो छे आ आड़ावड़ी वाक्यों ने जे शब्दों छे एने गोठवीने व्यवस्थित वाक्य बनावामां आवेलू छे। तो जुओ घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों आनो अर्थ थाय छे आ संपूर्ण वाक्य बन्यो। तो ए रीते आपणने अहीं 1 2 3 4 5 शब्दों आपेला छे, अरे सॉरी जे आड़ावड़ी शब्दों आपीने वाक्य आपेला छे एने आपणे गोठवीने व्यवस्थित वाक्य बनावीशुं, बराबर। तो चलो शुरुआत करिए। सौ प्रथम पहला नंबरनुं जे वाक्य छे शू वाक्य छे, कोण वाँचशे तेने? पेड़ भारत का की है मूलत नीम धरती, बराबर। तो हवे एने व्यवस्थित गोठवता वाक्य बनशे नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। शू आवशे वाक्य? ध्यान थी सांभळो दरेक जण। नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है, एटले के लीमड़ानू जे झाड़ छे ते भारतनी धरतीनू मुख्य वृक्ष छे, एवो अर्थ थाय छे, बराबर। हवे आगळनू जोईए बीजू वाक्य। नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती है दातो लिए के, तो एने व्यवस्थित क्रममां गोठवता जवाब बनशे दांतों के लिए नीम के दातुन श्रेष्ठ होते हैं। नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती है दांतों के, तो जवाब आवशे दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। अपना दांत माटे जेनी सफाई माटे जे लीमड़ाना झाड़नू जे दातण होय छे ए श्रेष्ठ होय छे, एवो अर्थ थाय। आगळनो जे वाक्य छे ए जोईए हवे। दिया जलाकर दिया रख मैं आंगन, तो एमा अर्थपूर्ण वाक्य बनशे दिया जलाकर आंगन में रख दिया, दिया जलाकर आंगन में रख दिया, बराबर। तो दीवो सळगावीने આંગણામાં ઓસરીમાં મૂકી દીધો, એવો અર્થ થશે। ખ્યાલ આવ્યો દરેકની? હવે આગળનું વાક્ય જોઈએ। અધીરતા દીખાની હમે મેં નહીં ખાને ચાહીએ, તો એનું અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનશે હમે ખાને મેં અધીરતા નહીં દીખાની ચાહીએ, આપણે જમવામાં ઉતાવળ રાખવી ન જોઈએ, બરાબર। અધીરતા દીખાની નહીં ચાહીએ, ફરી એકવાર જોઈએ। હમે ખાને મે અધીરતા નહીં દીખાની ચાહીએ, બરાબર। હવે આગળનું વાક્ય જોઈએ। વિનમ્રતા ચાહીએ વ્યવહાર હમારે મે હોની ભી, હમારે વ્યવહાર મે વિનમ્રતા ભી હોની ચાહીએ, હમારે વ્યવહાર મે વિનમ્રતા ભી હોની ચાહીએ, એવું વાક્ય બનશે। હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય। સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1 સૂચના છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે બેટી સહારા બંને કે લીએ ક્યાં ક્યાં કરેગી, કોણ આપશે જવાબ? આપણે કાવ્યમાં જોયું હતું કે બેટી કહે છે કે મેં તારા બનુંગી સહારા બનુંગી, બરાબર। સક્ષમ બનવાની વાત કરે છે, કોઈના પર નિર્ભર રહેવાની વાત કરતી નથી, તે આગળ વધવાની ને પ્રગતિ કરવાની વાત કરી રહી છે કાવ્યની અંદર, બરાબર। તો જવાબ આવશે બેટી સહારા બનને કે લીએ ક્યાં ક્યાં કરેગી, તો બેટી સહારા બનને કે લીએ પઢ લિખ કર આગે બઢેગી, વહ અપને પેરો પર ખડી હોગી,
इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएंगी। फिर एक बार, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगी? तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी, वह खुद सहारा देने के लायक बनेगी तभी किसी और को सहारा दे पाएंगी, इसलिए वह खुद पहले अपने को सहारा देने लायक बनाएंगी। ख्याल आयो दरेक ने? हवे आगळनो प्रश्न, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है? तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझाना चाहती है। बराबर। आगलो प्रश्न जो ये, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमेंगी और हवा को चूमेंगी। वह मस्त मगन मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। हवे आगलो प्रश्न जो ये, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तो अहियाँ प्रश्न नंबर एक नी अंदर जे चार प्रश्नों छे एना जवाब आपणे पूर्ण थाय छे, दरेके नोटबुक मां लखवाना छे। सॉरी, प्रश्न नंबर बे, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखे। विद्यार्थी मित्रों, काव्य नी अंदर आपणे काव्य वांची अने तेनो भावार्थ जोयो हतो, एटले दरेकने ख्याल ज हशे के काव्यनी अंदर जे पंक्तिओ आपेली छे एनो अर्थ शू थाय छे। तो ए ज लखवानो छे, काव्यना जे पंक्तिओ आपेली होय तेना जे तेनो जे विस्तारथी अर्थ थतो होय ए आपणे लखवानो छे। बराबर। तो आपणे जोई लईए, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यन पंक्तिनो अर्थ थाय छे, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। तो आ अर्थ थाय छे। हवे आगलनी काव्य पंक्तिनो अर्थ जोईए। सौ प्रथम काव्य पंक्ति जोई लईए। बीजी काव्य पंक्ति छे, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। तो तेनो अर्थ थाय छे, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। बराबर। तो आवो अर्थ बीजी काव्य पंक्तिनो थाय छे। तो प्रश्न नंबर बे नी काव्य पंक्तिनो अर्थ आपणे जोयो। त्यारबाद आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर त्रण, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। बराबर। जो अहीं पण एक उदाहरण, विलोम शब्द एटले के विरुद्धार्थी शब्द, तमने जे शब्द आपेलो छे तेनो विरुद्ध जे अर्थ थाय छे ते लखवानो छे। अहीं उदाहरण आपेलुं छे सफल, तो एनो विलोम शब्द एटले के विरुद्धार्थी शब्द थाय छे असफल। सफल तो असफल। हवे सफल शब्दनो अर्थ जे छे ए
वाक्य प्रयोग में करवानो छे अने असफल जे शब्द छे तेनो पण वाक्य प्रयोग करवानो छे। अहीं आपणे एक उदाहरण आपेलू छे, उदाहरण छे सफल अने असफल वाक्य प्रयोग। पहला सफलनो वाक्य प्रयोग आपेलो छे के तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुँचने में सफल हुए, तो सफल शब्दनो वाक्य प्रयोग थई गयो। हवे जोईशुं असफल, तो कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है, तो असफल पण वाक्य प्रयोग थई गयो। बराबर, तो आ उदाहरण प्रमाणे आपणे अहींया जे शब्दो आपेला छे एना विरोधार्थी विलोम शब्द लखवानो अने पछी बन्ने जे शब्दो छे तेनो वाक्य प्रयोग करवानो। ख्याल आवे छे दरेकने? बराबर, जेम उदाहरण आप्युं छे एज प्रमाणे आपणे करवानुं छे। तो चलो हवे आपणे शब्दोना विलोम शब्द अने तेनो जे वाक्य प्रयोग जोईशुं।